नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रायल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री की फिसली जवान, वर्तमान मुख्यमंत्री को कह डाला पूर्व मुख्यमंत्री। जनपद बागेश्वर में स्मैक तस्करी करते हुए युवक को दबोचा पुलिस ने। शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने जलाए कैबिनेट मंत्री के उपहार। मसूरी गोलीकांड के शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संबोधन करते हुए जबान फिसल गई, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री से संबोधित कर दिया, जिसको लेकर लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पूर्व में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में गणेश जोशी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी तो आगामी 15 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं और आज नहीं तो कल पूर्व होना ही है। सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे केंद्र सरकार में मुख्यमंत्री चलो 15-20 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो है, 15-20 साल कोई दिक्कत नहीं है, इधर दिक्कत है ना उधर दिक्कत है। देवभूमि उत्तराखंड में सदा से ही देवताओं का वास रहा है, जहां हर मंदिर में देवताओं की पूजा अर्चना के अलावा इंसानों पर देवताओं का प्रकट होना लाजमी है। ऐसा ही एक मंदिर हम आपको बता रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के वासुकी नाग भगवान की पूजा की जाती है। यह मंदिर है तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लाल तप्पड़ क्षेत्र में, जहां पंडित टीकाराम जोशी टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध नागराजा सेम मुखे मंदिर से अखंड ज्योत लेकर उसको निरंतर प्रज्वलित करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि उक्त मंदिर में गंभीर बीमारी और कई समस्याओं से परेशान व्यक्ति पहुंचकर समस्याओं का निदान प्राप्त करता है। यहां पर जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाया गया है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर साल भव्य कार्यक्रम होता है और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग भक्तगण लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामना पूर्ण होते अपने आते हैं, अपना प्रसाद लेके जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। पूर्ण होने के साथ साथ वो यहाँ पर हर रविवार को आते हैं। सेम श्री राम मंदिर, ये सिद्धिपीठ है, ये 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, 2013 में इसकी शिला की स्थापना हुई थी, 2014 में इसकी डोली की स्थापना करी थी और उसके बाद जो है इसका मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण 2015 में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे भक्त नाना प्रकार के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, अपनी मनोइच्छा पा करके चले जाते हैं। वो भक्त जो है बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, बहुत ही अच्छी मनोकामना लेकर के पूर्ण होती है और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं और गढ़वाल विकास निगम से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा 13 सूत्रीय मांगे नियमितीकरण किए जाने, कोविड-19 में पर्यटक स्थलों को कोविड सेंटर बनाया गया जिसके लिए प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने, दैनिक भत्ता दिए जाने, समान कार्य का समान वेतन दिए जाने को लेकर गुरुवार को चंदन कंडारी के नेतृत्व में GMVN गेस्ट हाउस कर्णप्रयाग गौचर कालेश्वर और गैस ऑफिस कर्णप्रयाग के कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया और मांगों को लेकर नारेबाजी जाहिर की गई और अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, सरकार के द्वारा लंबे समय से जो यहाँ पर दैनिक वेतन संविदा आउटसोर्स के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलर नहीं किया गया। दूसरा, पदोन्नति होनी है। तीसरा, 2 साल से कोरोना के चक्कर में जो हमारा पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया है, उसमें सरकार से हमारी मांग है कि पूर्व की भांति हमें FL2 खनन इत्यादि इस ये रोजगार दिए जाएँ ताकि गढ़वाल मंडल विकास निगम सशक्त हो सके। मशहूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के साथ शिफन कोर्ट को विस्थापन करने के लिए प्रदर्शन कर लोगों ने मसूरी के शहीद स्थल पर गणेश जोशी के द्वारा रक्षाबंधन के दौरान दिए गए उपहार को आग के हवाले कर गणेश जोशी मुर्दाबाद के नारे लगाए।
पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में शुक्रवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकने जा रहे हैं। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी आज सुबह 11 बजे श्रीनगर जीवी के हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम धामी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली में शामिल होंगे। इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री 11 स्थानों पर कार्यकर्ताओं से भेंट भी करेंगे। उनके स्वागत का भी कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रस्तावित किया गया है। गढ़वाल टेक ग्रुप मुक्तिबोध संस्था के सहयोग से गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित उछोली ने अपनी टीम के साथ रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ा की छात्राओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया और विद्यालय के छात्र छात्राओं को इस संबंध में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लोगों को अपनी भ्रांतियों को तोड़कर खुलकर बात करने की आवश्यकता है। अंकित उछोली ने बताया कि भविष्य में विभिन्न जिलों के अन्य विद्यालयों को चिन्हित कर वहां भी इस अभियान को चलाया जाएगा। चमोली जनपद के दौरे पर कर्णप्रयाग पहुंचे आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राजीव चौधरी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और 2022 के लिए जनता अपना मन बना चुकी है। जनता भाजपा कांग्रेस से त्रस्त होकर आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रही है। जो रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का जो दौरा है उसमें हम लोगों को कार्यकर्ताओं की जो बैठक कर संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उस पर निर्णय लेने आए। संगठन को विस्तार करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारियां देनी है और जो अभी तक पार्टी का काम इस क्षेत्र में हुआ है उसकी समीक्षा करके आने वाली जो पार्टी की योजनाएं होंगी उनको घर घर तक कैसे पहुंचाना है इसके लिए कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर होगा। उसी के लिए ये दो दिन का रुद्रप्रयाग चमोली जिले का दौरा है। जहाँ तक बात रही 2022 की, देखिए 2022 के जो चुनाव होंगे उसके लिए जनता बिल्कुल बदलाव का मन बना चुकी है। जनता जो वर्तमान सरकार है उससे पूरी तरीके से त्रस्त है और इस बार उत्तराखंड में एक बदलाव, एक नया विकल्प जो जनता खोज रही है आम आदमी पार्टी उसको लेकर जनता के बीच। बागेश्वर जिले में स्मैक जैसे नशे का कारोबार करने वाले सरगनाओं की तलाश में चल रहे अभियान के तहत बागेश्वर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने होटल का कार्य करने वाले मंडल सेरा भरतपुर निवासी संजय मल्डा नामक 30 वर्षीय युवक को लगभग 8 ग्राम स्मैक के साथ विकास भवन तिराहे से दबोचा है। कल शाम जो है एसओजी टीम और थाना कोतवाली बागेश्वर की पुलिस टीम द्वारा एक संजय सिंह मल्डा नाम के व्यक्ति को स्मैक के साथ पकड़ा गया। 8.28 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई जिसे NDPS के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो व्यक्ति की शिकायत पहले भी आ रही थी और ये होटल में काम करता है उसको अब गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थपुरोहितों का धरना 83वें दिन और क्रमिक अनशन 63वें दिन भी जारी रहा और तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को शीघ्र ही भंग करने की मांग की। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने खटीमा और मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में हर्बल गार्डन में अनार की पौध रोपित की। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने विभिन्न प्रजाति की पौध हर्बल गार्डन में रोपित की। उसके उपरांत शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य निर्माण को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड हुआ था जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है सरकार भी जनता से नजदीकियां बढ़ाती जा रही है। अपनी समस्याओं को लेकर फरियादी 4 सितंबर को मुख्यमंत्री से मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 सितंबर को जनता मिलन कार्यक्रम के जरिए आम लोगों से मिलने और उनके समस्याओं को सुनने जा रहे हैं। यही नहीं, कोशिश की जाएगी कि समस्या का मौके पर निस्तारण किया जाए। इसके लिए निश्चित समय तय किया गया है जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस संदीप चमोली ने जिला अधिकारी देहरादून को MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस कम करने के संबंध में एक पत्र लिखा जिसमें संदीप चमोली ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में MBBS और मेडिकल कोर्सों में फीस की दर अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है जबकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। हमारे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न स्तर पर है। आज भी पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव रहता है जिसका कि मुख्य कारण मेडिकल कोर्सों में राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक शुल्क लिया जाना है।
जिसको कि निम्न वर्ग के लोग वहन करने में असमर्थ हैं। काफी समय से MBBS के छात्र शुल्क को कम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके आंदोलन और उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। कल अपर मुख्य गृह सचिव उत्तराखंड आनंद वर्धन द्वारा उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था उत्तराखंड नीलेश आनंद भरने द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस विभाग के मुद्दों के संबंध में उनको अवगत कराया गया। हिमालय विकास सांस्कृतिक और दिव्यांग सेवा केंद्र का उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर में हिमालय विकास सांस्कृतिक और दिव्यांग सेवा केंद्र के द्वारा दिव्यांगों का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्यानशु पट्टी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों भवानी, कठिया, बडल और धौड़िया कला का मुआयना किया। उन्होंने जिलाधिकारी टीरी को यहां सुरक्षा कार्य करने के लिए निर्देशित किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उक्त जगह में बीते 28 अगस्त को आई आपदा से अधिक नुकसान हुआ है। पूरी तरह से मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुके, काश्तकारों के अधिकांश खेत बह चुके हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बरसाती नदी ने यहां अपना रास्ता बदल दिया है, इससे यहां लगातार खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर जिलाधिकारी को सुरक्षात्मक कार्य के लिए निर्देशित किया गया है। ये मैं आज ये भवानी, कठिया, बलल और धोड़िया गला इन जगह का भ्रमण किया। बहुत नुकसान हुआ है बारिश से और रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। तमाम काश्तकारों की जमीनें बह गई हैं और मकानों के लिए खतरा हो गया है और नदी ने भी अपना जो ये बरसाती नदी है इसने भी अपना रास्ता बदल दिया, जिसके भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। तो उसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश जो आए थे साथ में उनको दे दिए गए हैं। बाकी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए जाएंगे कि तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक कार्य किया सकते हैं तत्काल। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, आस्था।